इसके लिए सभी पैसे मैंने डाले, खुद के कमाए हुए। इसका प्राउड फील है, मुझे अच्छा लगता है। हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो सभी? बढ़िया, मस्त, एकदम मजे में। घर पर ही होंगे सब, घर पर ही रहो, अच्छे से रहो। कैमरा नीचे नीचे जा रहा है यार, इसके लिए बैकग्राउंड वगैरह थोड़ा सा इग्नोर कर दो भाई। भाई के ऊपर जो मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। यू गाइस वेर आस्किंग कि धीरज हाउ यू ब्रॉट द GoPro, कहाँ से लिया, कैसे लिया एंड ऑल दैट। भाई बताओ किस कैसे लिया, पैसे कहाँ से आए भाई आपके पास? तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आपको बस क्या करना है, ये वीडियो आखिरी तक देखना है। और उससे पहले एक बात, जरूरी बात यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दो। और ऑडियो क्वालिटी के लिए आई एम सॉरी, अभी क्या कर सकते, घर पर सब करना पड़ रहा है। मांजर आशी दकी रहे नहीं बहू, काय संग आते। This vlog is mainly divided into two parts, like how I brought a GoPro and उसके features, like GoPro के features क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो भाई साहब, आपको अगर GoPro कैमरे के बारे में पता नहीं होगा तो फिर एक बार देख लीजिए, YouTube, Google बाबा के एक बार पूछ लीजिए कि GoPro भाई GoPro क्या है, एक बार देख लीजिए। Action camera in which you can shoot video like this, like in the water. मेरे देख लीजिए आप, बाकी के पिछले 12-13 सभी इसी कैमरे से मैं शूट किया हूँ। लेट मी गिव यू सम ब्रीफ अबाउट दिस स्टोरी, लाइक ये सभी की स्टार्टिंग हुई थी जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। तब मैंने जस्ट नॉर्मल कैमरे से व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया, नॉर्मल एडिटिंग करता था अपने इसमें क्या यार, नॉर्मल मोबाइल सॉफ्टवेयर से फिल्म हो रहा है, लाइक उन सॉफ्टवेयर से मैं एडिट करता था और अपलोड करता था। और उसके बाद मुझे पता चला कि भाई एक चीज रहती है जिसपे आप नॉर्मली व्लॉगिंग के लिए वो डेवलप की गई है, लाइक उसमें आप बहुत ही अमेजिंग व्लॉग्स बना सकते हैं। देन आई केम टू नो अबाउट दिस GoPro, बट उसकी जो प्राइसिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, लाइक मेरे बजट के तो बाहर ही थी। देन आई डिसाइडेड कि इससे सस्ता वाला देखते। देन आई ब्रॉट दिस एजे कैम मैंने लिया, और एजे कैम से मैंने लगभग 5,500 से ज़्यादा वीडियो में भी मैंने शूट किए होंगे, यही है भाई सब। मैं आप देख लीजिए, पूरा मेरा चैनल चेक कर लीजिए। एजे कैम इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था, आई थिंक सो, बट एज अ बिगिनर आप यूज करना चाहते हैं तो वो बेस्ट है, बेस्ट ऑफ बेस्ट है, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट हमारे जो प्रज्ञेश भाई है वागोली वाले, उन्होंने मुझे GoPro जस्ट यूज करने के लिए दिया, लाइक धीरज तो ये जस्ट GoPro ले और वागेश्वर मंदिर का एक वीडियो शूट कर ले। देन मैं ने एक वागेश्वर मंदिर का एक वीडियो शूट किया, वो बहुत ही अच्छा बना, लाइक आई रियली लाइक दैट वीडियो। और तब से मैंने मतलब मेरे माइंड में डाल लिया कि भाई आई वांट टू बाय दिस कैमरा, मुझे ये कैमरा चाहिए ही। और हमारे जो सलीम भाई है MSK व्लॉग्स, उन्होंने सजेस्ट किया था एक किताब, लाइक द सीक्रेट इट्स नेम। देन आई स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक। मैनी ऑफ यू है थिंकिंग, और मेरी भी थिंकिंग ऐसी है कि भाई ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह चीजें नहीं रहती, एग्जिस्ट ही नहीं करती, लाइक किन की होगी किन की नहीं होगी। दैट बुक, और उस बुक में लिखा था भाई अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो उसकी बस यूनिवर्स को ऑर्डर दे दो, और मुझे GoPro चाहिए था, मतलब मेरे दिल के नस नस में सभी के पूरे बॉडी को GoPro मुझे चाहिए था, पूरा GoPro, मतलब मेरे को GoPro ही दिख रहा था। एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ, जब मेरी एग्जाम थी, एग्जाम से एक दिन पहले, हम स्टडी वगैरह करते, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, जो किताब में मैं स्टडी कर रहा था उसके फ्रंट पेज में भी लिख दिया कि भाई धीरज यू हैव टू ब्रॉट अ GoPro, तुझे GoPro चाहिए, उसके लिए तुझे मेहनत भी करनी है। लाइक ये सभी चीज़ें होती गई मेरे माइंड में, मैंने इसे फिक्स कर लिया था कि मुझे GoPro चाहिए, कैसे भी हो जाए, किस तरह से लाऊंगा That I don't know, but मुझे GoPro चाहिए, मतलब चाहिए, order दे दी थी यूनिवर्स को। Now coming to the main point, how all this happened, मतलब पैसे कहाँ से आए, मेन बात बताता भाई। अगर आपको रिमेम्बर होगा कि मैंने एक how I buy flat for rent, मतलब on the rent, ये वीडियो मैंने डाला था यूट्यूब पर बहुत दिनों से पहले, और तभी से मेरी कुछ पहचान हुई कि लाइक ब्रोकरेज का बिजनेस किस तरह से चलता है, रेंटिंग का बिजनेस किस तरह से चलता है। तो मैंने कुछ फ्लैट रेंट आउट किए और उससे कुछ पैसे कमाए नॉर्मल,
और फोकस पिक्सल देवदत्त फोटोग्राफी इनके यहाँ पर मैं काम करने लगा एडिटिंग के, लाइक मैं मेरे ब्लॉग की एडिट करता था, तो बेसिक्स आइडिया अबाउट एडिटिंग आई नो, तो थोड़ा सा सपोर्ट मुझे वहाँ से भी मिला, उन्होंने बहुत से स्किल भी मुझे सिखाए, कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी मुझे हुई वहाँ से। फाइनली ऑन 21st of February, एक्चुअली मैं 19 February को ही लेना चाहता था जब मैंने पिछले साल लैपटॉप लिया था, पर हो गया अभी 21st of February मैंने इस कैमरे को खरीदा मुंबई से, मुंबई में गया उसके लिए भी बहुत सारी रिसर्च की, एंड यस यही स्टोरी थी, बट इसके लिए सभी पैसे मैंने डाले, खुद के कमाई हुए, इसका प्राउड फील है मुझे, अच्छा लगता है, मेरा ये कैमरा मेरा है। कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो, आई विल टेल यू द फीचर्स ऑफ दिस कैमरा, इस कैमरे से आप क्या क्या कर सकते हैं, लाइक अभी आप देख सकते हैं कि ये कैमरा वाइड एंगल भाई, ये इधर का भी दिखा था और इस साइड का भी दिखा था, सब जगह का दिखा था, 180 डिग्री वाइड कैमरा है, 1080x60 फ्रेम पर सेकंड में आप इसके ऊपर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 64x128 GB तक ये मेमोरी सपोर्ट करता है, और कॉम्पैक्ट कैमरा है, छोटा सा है, किधर भी लेके घूम के जा घूमने वगैरह, व्लॉगिंग के लिए तो बेस्ट भाई, व्लॉगिंग इससे करेंगे बेस्ट, व्लॉगिंग फ्रॉम दिस कैमरा इज बेस्ट। ये अप टू 4K तक ये कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है, और अभी आप जो वीडियो देखेंगे, लाइक अभी जो देख रहे हैं 240fps का ये वीडियो है जो मैंने स्लो मोशन किया है, उसके स्लो मोशन के लिए मैंने शूट किया था एक डॉगी का। बाकी के भाई साहब आपको इस कैमरे के सारे फीचर्स बाकी के यूट्यूब और गूगल बाबा से मिल जाएंगे, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ इस कैमरे के बारे में आपको और जानकारी दे सकता हूँ, बस इस वीडियो के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक और बात बोलनी थी भाई, Q&A वीडियो बनाने की सोच रहा, कुछ सवाल आपको अगर पूछने तो पूछिए, मैंने अभी एक जस्ट इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट डाली, इंस्टाग्राम एड्रेस धीरज बोर से ब्लॉग्स, जाके फॉलो भी कर सकते अगर आपको आपको भाई आपके धीरज भाई का काम अच्छा लगा होगा तो। एक और बात, सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट में फीडबैक दे सकते, सजेशन दे सकते कि किस टाइप के वीडियो में इस होम क्वारंटाइन सिचुएशन में बनाऊँ, और सवाल पूछिए, Q&A वीडियो बनाना है, पूछिए सवाल, पूछिए यार प्लीज़ पूछिए, धन्यवाद, ये तो मैं, बाय बाय, टाटा, सी यू, टाटा।